दोस्तों, आज मैं आप सभी को बैंगन का भरता बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बैंगन को मैंने धोकर साफ करके रख लिया था और टमाटर लिए हैं, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन। और यहाँ पे अब बैंगन पे मैं कट लगाऊंगी और इसे मैं चार जगह से कट लगाऊंगी। और कट लगाने से ये होता है फ़ायदा कि हमें पता चलता है बैंगन अंदर से कैसा है और पकाने में भी आसानी होती है, जल्दी पक जाता है। देखिए, मैं खोल के देख रही हूँ और बैंगन अच्छा था अंदर से। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। तो अब चलते हैं हम पकाने के प्रोसेस में। अब यहाँ पे मैंने तेल लगा दे रही हूँ बैंगन के ऊपर। तेल लगाने से छिलका जल्दी उतर जाता है, इसका प्रॉब्लम नहीं होती है छिलका निकालने में। और इसे धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे, घुमा घुमा के हर तरह से सेकेंगे इसको। और बैंगन का भरता बहुत टेस्टी लगता है और इसे आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। इसको ऐसे उठाकर नीचे से भी सेक देंगे। अब मेरा बैंगन सीख गया है, तो गैस बंद कर दिया है मैंने। अब इसे निकाल के रख दूंगी मैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसके छिलके निकालेंगे। तो बैंगन हमारा ठंडा हो गया था, अब इसके छिलके निकाल रही हूँ। देखिए बैंगन कितना अच्छा भुना था और इसके सारे छिलके अच्छे से निकल रहे हैं। यहाँ पे छिलके निकाल लिए हैं तो इसे मैं चम्मच की सहायता से मसल ले रही हूँ। अच्छे से इसको मसल देंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा सा मसल गया है बैंगन। बैंगन अच्छा रहेगा और अच्छा भुना रहेगा तो अच्छे से मसल जाता है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाला है, तेल गर्म हो गया है तो उसमें अभी जीरा डाला है और यहाँ पर थोड़ा सा हींग डाला है और हरी मिर्च और लहसुन डाला है तड़के में। थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और हींग जरूर डालें, इससे गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बैंगन खाने से किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है तो हींग डालने से नहीं होगी। अब इसे थोड़ा लाल होने तक हम भूनेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले मिला देंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिला देंगे, इसको भूनेंगे। और अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी भूनेंगे हम। इसको थोड़ा गलने तक पकाएंगे। यहाँ पे टमाटर हमारा गल चुका है, अब इसके अंदर बैंगन जो मसल के हमने रखा था भरता बनाने के लिए, इसको डाल के मिला देंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। टेस्ट के अनुसार नमक डालें, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम। तो अभी यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैंगन का भरता रोटी के साथ या आप दाल चावल के साथ खा रहे हैं, हर चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। और हमारा बैंगन का भरता बन के तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, गैस बंद कर देंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।